हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है एसक्यूएल यानी सीक्वल की। तो आज के इस वीडियो में क्या सीखेंगे, देखिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम क्वेरीज बनाते हैं तो उस समय कुछ इस तरह का सवाल अगर आपको दे दिया जाता है या इस तरह की क्वेरी आपको बनानी हो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर राइट अ सीक्वल क्वेरी टू डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन अ टेबल, तो यहाँ पर आप किस चीज का यूज करेंगे और इस तरह के क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या कोड लिखेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन है तो चलिए इस बात का सॉल्यूशन देते हैं और समझते हैं कि आखिरकार हम क्वेरी क्या लिखेंगे, अगर इसके लिए हमें क्वेरी डिजाइन करनी हो तो किस तरह से हम क्वेरी डिजाइन करेंगे। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेते हैं, अगर आपके पास सीक्वल सर्वर है तो और ज्यादा बेटर, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो है ही है, काम चलेगा इससे। ठीक है, अब यहां पर आ गए हैं, ये टेबल वन दिखाई दे रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया, अब यहां से हमें क्या करना है, क्वेरी बनानी है। क्वेरी कैसे बनाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और क्वेरी डिजाइन पे जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको क्लोज कर देना है इसको, और क्लोज करने के बाद यहां से सीक्वल पे क्लिक करना है। यहां पर सेलेक्ट आएगा, सेलेक्ट को हटा दीजिएगा, हटा दिया। अब यहां पर हमें कोड लिखना है, जैसे हमें टेबल बनानी है और टेबल भी किस तरह की बनानी है, एक बार आप देख लीजिए, ये हमें टेबल बनानी है, देख रहे हैं। तो हमें एम्प्लॉई आईडी चाहिए, एम्प्लॉई का नेम चाहिए, पोस्ट चाहिए, सैलरी चाहिए। ठीक है, पहले तो इतना काम करना है और फिर हमें उसमें मैक्सिमम सैलरी के लिए क्वेरी बनानी है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग बना लेते हैं, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, पोस्ट और सैलरी। ठीक है, तो कैसे डिजाइन करेंगे चलिए ये दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले हमें लिखना है क्रिएट टेबल, जैसा कि हम आमतौर पर लिखते हैं टेबल बनाने के लिए, तो ये कोड आपको लिखना है क्रिएट टेबल। अब टेबल का यहाँ नाम क्या होगा वो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूँ टेबल वन या एम्प्लॉई टी, एम्प्लॉई टी कर देते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज का डिटेल है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एम्प्लॉई टी, तो ये एम्प्लॉई का टेबल हो गया। स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली अब ये टेबल तो आपका, टेबल का नाम तो आपने दे दिया, अब पहली चीज इसमें एम्प्लॉई आईडी, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं एम्प्लॉई आईडी, इसी तरीके से देना है आपको, बीच में गैप नहीं छोड़ना है। यहां पर अगर गैप देना चाहते हैं तो यहां पर आपको लगाना होगा अंडरस्कोर, तो ये कर दिया मैंने एम्प्लॉई आईडी। और ये किस टाइप का डेटा टाइप होगा ये आपको बताना होगा, अगर नंबर है तो नंबर लिखिए, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लिखिए, या और कोई डेटा टाइप हो तो और कोई डेटा टाइप भी आप दे सकते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, और आप इसे नल रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, इट इज डिपेंड अपॉन यू, तो मैं फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, अभी इसमें कोई चीजें हमें दी नहीं गई हैं, तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। ठीक है, अब यहां पे नेम ऑफ एम्प्लॉय कर देते हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो ये नेम ऑफ एम्प्लॉय हो गया। अब नेम ऑफ एम्प्लॉय कौन सा डेटा टाइप होगा, टेक्स्ट डेटा टाइप होगा। ठीक है, कॉमा देंगे, फिर एंटर करेंगे, नीचे आएंगे। अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें देना है पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट लिखा मैंने और पोस्ट को भी रख दिया मैंने टेक्स्ट डेटा टाइप, कॉमा देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब सैलरी की बात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एस एल ए आर वाई सैलरी, सैलरी लिखने के बाद हमें यहाँ पे करेंसी डेटा टाइप दे देना है, तो ये करेंसी कर दिया मैंने, और करेंसी करने के बाद यहाँ एंटर करके नीचे आएंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, बस आपका काम हो गया है। यहाँ से रन पे क्लिक कर दीजिए और ये एम्प्लॉय टेबल जब ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। तो आई होप कि इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब हम आगे बात करेंगे किस चीज के ऊपर, कि अब इसमें हम चीजों को एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय आई डी वन हो गया। ठीक है, एम्प्लॉय आई डी वन देने के बाद यहाँ पे राम हमने नाम दे दिया और यहाँ पे पोस्ट का नाम दे दिया कैशियर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैशियर। ठीक है, ये हो गया कैशियर, और सैलरी इनकी है 35,000, तो यहाँ पे 35,000 दे देते हैं। और फिर यहाँ पर एम्प्लॉय आई डी टू की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर देता हूँ श्याम, या कुछ ऐसे ही और भी नाम दे सकते हैं हम। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं डेटाबेस में क्या है हमारे, तो यहाँ पे अभिषेक दिया गया है तो हम अभिषेक ही देंगे, तो यहाँ पे अभिषेक टाइप कर दीजिए, नाम तो कोई भी टाइप कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया अभिषेक। ठीक है, तो ये अभिषेक कर दिया, और इनका पोस्ट क्या है वो भी देख लेते हैं, तो इनका पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर, तो ये लिख दिया मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर। तो इस तरीके से आपको भी लिख देना है कंप्यूटर ऑपरेटर, और कंप्यूटर ऑपरेटर लिखने के बाद फिर यहाँ पर आइएगा जैसे ही, तो इनकी सैलरी की बात करेंगे तो आई होप कि 32,000 है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट वाला, तो इनका नाम है गौरव और ये मैनेजर है, और इनकी सैलरी जो है 40,000 है, तो यहाँ पर हमें लिखना है गौरव, थर्ड है, यहाँ पे थर्ड लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिख देता हूँ गौरव, तो ये हो गया गौरव। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा मैनेजर, एम ए एन
AGER, ये मैनेजर लिख दिया हमने, और यहां पर आएंगे और यहां पर 40,000 कर देते हैं, तो ये हो गया 40,000। ओके, तो यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसको सेव कर लीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है। तो यहां से सेव कर लिया इस टेबल को और फिर क्लोज कर दिया। फिर इस क्वेरी को भी आप सेव कर सकते हैं, तो यहां पे एम्प्लॉई क्यू कर देता हूं, एम्प्लॉई क्यू, क्यू यानी क्वेरी। तो ये मैंने कर दिया और इसको भी सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। अब हमें इसमें से देखिए, आप इसमें तो आपको दिखाई पड़ा है क्या क्या चीजें हैं, किसकी सैलरी कितनी ज्यादा है, तो इसमें से हमें अब फाइंड करना है कि किसकी सैलरी मैक्सिमम है। तो इसके लिए एक न्यू क्वेरी बनाते हैं, यहां से चलते हैं क्वेरी डिजाइन पे आते हैं और यहां से इसको डायरेक्टली क्लोज करना है और सीक्वल पे जाना है। यहां पर अब हमें सेलेक्ट करना होगा। कैसे कैसे सेलेक्ट करना है आइए समझते हैं एक बार। ये बहुत इजी है, एक बार आप करेंगे तो फिर आसानी के साथ होता चला जाएगा। हम अब लिखेंगे मैक्स, ठीक है, और किस कॉलम से लेना है, तो वो सैलरी है। तो यहां पे देख लेते हैं सैलरी हमने कैसे लिखा हुआ है यहां पे। तो ये देख लीजिए सैलरी का एस कैपिटल है, तो बस हम यहां पे चलेंगे और यहां पर मैक्स देने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली यहां पर सैलरी लिखना है हमें, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही ऐसे एल ए आर वाई आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका काम हो जाएगा, तो इतना काम कर लीजिए। फिर आइए एंटर करके नीचे, ठीक है, सैलरी कर दिया, एंटरप्रेस किया, नीचे आए और ये आएगा कहां से, तो यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम। तो आपको केवल टेबल का नाम भर दे देना है फ्रॉम एम्प्लॉयटी और यहां से व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखेंगे कि आपको मैक्सिमम सैलरी डिस्प्ले हो रही है। तो 40,000 किसकी मैक्सिमम सैलरी है, यहां आप टेबल पे आ जाइए और दोनों ही का कंपैरिजन करके देख सकते हैं आप। ये आपकी टेबल है और क्वेरी भी आपने बनाई है, तो क्वेरी यहां पर है, तो टेबल और क्वेरी दोनों ही देख सकते हैं। ये आपकी क्वेरी है, तो क्वेरी में मैक्सिमम सैलरी आ रही है कि नहीं आ रही है देखिए। और ये आपकी टेबल है, तो इस टेबल में अलग अलग सैलरीज दी गई हैं, 35,000, 32,000। अगर आप इसमें कुछ बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए आप 4 कर दिया मैंने और यहाँ पे लिख देता हूँ रामू, तो ये इनकी सैलरी कर देते हैं, तो ये प्यून ओएन ये कर दिया मैंने और यहाँ पर इनकी सैलरी कर देते हैं 15,000, तो ये 15,000 हो गया। और यहाँ पर अब इसको सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये आपकी क्वेरी थी, ठीक है, और इस क्वेरी में आपको क्या करना है, इस क्वेरी में हमें अब इसको रन करवाना है वापस से, ठीक है। तो ये हमने क्वेरी जो बनाई थी इसी को हम रन करवाएंगे, तो यहाँ पे पहले इसको सेव करके क्लोज कर देते हैं। ये क्वेरी वन आ रहा है, मैं यहाँ पे मैक्स क्यू कर देता हूँ, मैक्सिमम क्वेरी यानी मैक्सिमम हमने फाइंड किया है इसमें, तो ये मैक्स क्यू के नाम से सेव किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लगाया था मैंने इसके आगे सेमी कॉलन, तो ये सेमी कॉलन भी आपको लगाना है और यहां से जब क्लिक करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैक्सिमम सैलरी तो अभी भी इसमें यही है, लेकिन और इसमें अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं कर देता हूं एस यू आर ए जे और इनको कर देता हूं मैं जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, तो इनकी सैलरी जो है इनसे ज्यादा हो जाएगी। और फिर इस कंडीशन में जैसे मान लीजिए 50,000 सैलरी किसी की है, 59,000 हो, 60,000 हो, तो इस कंडीशन में अब जब इस क्वेरी को आप रन करवाएंगे, मैक्स वाली क्वेरी, मैक्स क्यू जो बनाया, तो यहां पर ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाएगा रिजल्ट। तो ये आ गया और फिर यहां पे क्लिक कर दिया, तो यहां पे देखिए 59,000 आएगा। तो ये बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आप इसी तरह से जवाब भी दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।